विकास के पथ पर लगातार अग्रसर पंजाब दिन पर दिन प्रगति कर रहा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। अब पंजाब मंडी बोर्ड ने किसानों को आधुनिक और नवीन सुविधा देने में अहम भूमिका निभाई है और इसी का नतीजा है कि पंजाब मंडी बोर्ड को 8वां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से नवाजा गया है। किसानों को व्हाट्सएप और डिजी लॉकर के जरिए डिजिटल जे फॉर्म की सुविधा देने के लिए पंजाब मंडी बोर्ड ने ये अवार्ड हासिल किया है। गुवाहाटी में हुए समारोह के दौरान असम के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों को ये अवार्ड प्रदान किया। ये अवार्ड असम में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और आईटी विभाग के दिग्गजों वाली ज्यूरी के नेतृत्व के अधीन दिया गया। समारोह के दौरान ज्यूरी ने डिजिटल संचार के लिए नए मापदंड स्थापित करने के लिए पंजाब मंडी बोर्ड की ओर से पेश किए नवीन संचारकों की सराहना की। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंडी बोर्ड के सचिव रवि भगत ने बताया कि पंजाब को लगभग सभी विभागों में ई गवर्नेंस स्थापित करने के नवीन प्रयास करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड ने साल 2020 में कोविड-19 के दौरान ई प्रोक्योरमेंट के तरीके स्थापित करने के ये नवीन पहल की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि तब से लेकर अब तक बोर्ड की आईटी टीम ने हितधारकों की सुविधा के लिए कई ई सेवाएं जैसे कि ऑनलाइन लाइसेंस, ऑनलाइन भुगतान, जे फॉर्म का डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन खरीद, पंजाब में आने वाली बाहरी राज्य की फसल की रिकॉर्डिंग के लिए VTS ऐप, ई नीलामी पोर्टल, ई डाक पोर्टल और अन्य ई सुविधाएं शुरू की है। भगत ने कहा कि इन डिजिटल पहलों ने न केवल स्टाफ और लॉजिस्टिक्स खर्चों को बचाया है बल्कि कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता को सुनिश्चित बनाने के साथ साथ हितधारकों की सुविधा के लिए ई लाइसेंस, ई पास, समर्पित गेटवे के द्वारा भुगतान को सुनिश्चित बनाया है। मंडी बोर्ड के सचिव ने कहा कि राज्य के किसानों को व्हाट्सएप और डिजी लॉकर के जरिए जे फॉर्म को डिजिटाइज करने के विचार से बहुत लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि नागरिक अलग अलग सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने के लिए इस डिजिटल रसीद का प्रयोग आमदनी के सबूत के तौर पर कर सकते हैं। जे फॉर्म की ये डिजिटल रसीद न केवल किसानों के लिए लाभकारी है बल्कि अलग अलग सरकारी सब्सिडियों में डुप्लीकेट होल्डर्स को हटाने में सरकार की भी मदद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन भावना टाइम्स।